अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल का मीठा। मुझे कमेंट्स में बोलकर है बनाकर बताइए। तो आज मैं पाइनएप्पल का मीठा बना रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। पाइनएप्पल का मीठा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। पाइनएप्पल यहाँ पर 1 किलो का पाइनएप्पल ली हूँ, इसके छिलके निकाल ली हूँ। पाइनएप्पल, चीनी, खोआ, बादाम, किशमिश, फ्रेश क्रीम और यहाँ पर केक, ये छोटे पीसों में लेकर हूँ। केक प्लेन केक, टूटी फूटी आकर रहता है वो भी ले सकते हैं आप, ये प्लेन केक लेकर हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें छिलके को तो निकाल ली है, अच्छे से निकाल लेना है। फिर जो ये यहाँ पर काला काला है हमें इसे भी ऐसे निकालना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ऐसे हमें सभी को निकाल लेना, ये निकालना जरूरी है। ये इसे सभी को निकाल लेती हूँ। आप मिक्सी के जार में भी डालकर पीस सकते हैं आप, या कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसे पहले मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, ऐसे निकाल लेना है एक एक, क्योंकि ये मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता, जैसे छिलका मुंह में आता है ऐसा लगता है। तो इसे पहले आराम से इसे निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए, अच्छे से मैं निकाल ली हूँ। छोटा छोटा एक तो रह जाता है इसमें, तो बड़ा बड़ा जो भी था मैं इसे अच्छे से निकाल ली। यहाँ पर देखिए, अब क्या करना है, हमें इसे कट लगा लेना है, कद्दूकस कर लेना है, या आप मिक्सी में डालकर पीस लेना है। अगर मिक्सी में डालकर आप पीसते हो तो थोड़ा दरदरा सा पीसना है पाइनएप्पल को। पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल पानी नहीं डालना है, ऐसे ही आप पीस लेना है। अगर कद्दूकस करना है तो आप ऐसे कद्दूकस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बारीक सा काट ली हूँ, अभी मिक्सी के जार में इसे डाल लेती हूँ। डालकर बिल्कुल पानी नहीं डालना है, थोड़ा भी नहीं डालना है, हमें ऐसे ही पीस लेना है। इस यहाँ पर देखिए, मैं मिक्सी जार में डाल ली हूँ, ऐसा पीस ली हूँ। ये देखिए, ऐसा दरदरा सा पीस लेना है। यहाँ पर देखिए, गैस ऑन कर ली हूँ, कढ़ाई को भी रख ली हूँ। सबसे पहले हमें पाइनएप्पल को जो पिसा हुआ है उसे डाल लेना है। फिर से बता रही हूँ, थोड़ा भी पानी इसमें नहीं डालना है, जो पाइनएप्पल में रहता है वही पानी से हमें पकाना है इसमें। इसे अब इसे हमें अच्छे से पकाना है, अच्छे से, जब तक ये घट नहीं होता तब तक इसे पकाना है। ये आज मैं जो बैंगलोर में घरों में बनता है, मेरे घर में बनता है वो बता रही हूँ। बैंगलोर में हर घर में बनता है, जिसे मालूम नहीं है वो बनाकर खाइए। ये मेरे घर में बनता है, ऐसा नॉर्मल सा बता रही हूँ मैं, जो अब मैं बता रही हूँ। शादियों, बैंगलोर की शादियों में भी बनता है पाइनएप्पल, उसमें ड्राई फ्रूट, बैंगलोर की शादियों का, वो भी मैं आपको बनाकर बताती हूँ। वो अलग सा बनता है, ये अलग सा, ये घर में जो बनाते हैं नॉर्मल सा फटाफट बनाकर खा सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी रहता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चाइना ग्रास या जली जाती है, टूटी फूटी, ये सब बहुत सारा उसमें भी जाता है, तो मैं आपको वो भी एक दिन बनाकर बताती हूँ। उसमें एप्पल ये वो सब जाता है बहुत सारा। ये बहुत सिंपल से है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी आप पाइनएप्पल का बनाते हो तो प्लेन केक डालना जरूरी है। अब ये हर घर में बनता है, ये मेरे घर में जो बनता है मैं आपको बनाकर पाइनएप्पल का बता रही हूँ, आपको वो भी मैं एक बार बनाकर बताई हूँ। मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। अभी क्या करती हूँ, इसे अच्छे से पकने देती हूँ, इसे पकाना है, अच्छे से पकने देना है अभी इसे। यहाँ पर देखिए, पक रहा है ये, यहाँ पर देखिए ये आधा पक चुका है। यहाँ पर देखिए, आधा पक चुका है। अभी इसमें चीनी मिलाना है। चीनी कभी जब भी डालते हो तो ज्यादा मत डालिए, थोड़ा देखकर डाल लीजिए। मैं यहाँ पर 3 टीस्पून ले रही हूँ, क्योंकि पाइनएप्पल थोड़ा मीठा ही रहता है, देखकर डाल लेना आप। 2-3 चम्मच डाली हूँ मैं। अभी इसे भी अच्छे से पकने देना है। देखिये, 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब चीनी भी अच्छे से पक चुकी है। शक्कर भी बोलते हैं इसे, चीनी भी बोलते हैं। ये देखिए, अच्छे से पक चुकी है। अभी क्या करना है, यहाँ पर 1.25 किलो मैं खोआ ली हूँ, इसे डाल लेना है हमें। ये फीका है, मीठा नहीं, फीका है। जब भी आप डालते हो फीका ही लेकर डालना है इसे भी। थोड़ा 1 मिनट मैं अच्छे से हिला कर पका लेती हूँ। यहाँ पर देखिए, अच्छे से हिला लेती हूँ इसे भी। अब इसे भी 1 मिनट पका लेना है हमें। देखिए, अच्छे से पक रहा है। अभी आधा मैं किशमिश इसमें डाल रही हूँ, आधा मैं ऊपर से डाल लेती हूँ। फिर से यहाँ पर आधा बादाम, कटा हुआ बादाम, इसे भी अब अच्छे से मिला लेती हूँ।
ये हो गया है। अभी क्या करना है हमें, गैस को कर लेना है बंद। जब भी आप केक डालते हो प्लेन केक गैस पर, उसे अच्छे से नहीं पकाना है। गैस को कर लेती हूँ बंद, ये अच्छे से पक चुका है। अभी मैं यहाँ पर ये देखिए, अच्छा थोड़ा मोटा मोटा सा मैं क्रश कर रख ली हूँ केक को, प्लेन केक को। अभी इस पर मैं डाल लेती हूँ, मैं केक प्लेन केक पाव किलो से थोड़ा कम ली हूँ। एक किलो का पाइनएप्पल, पाव किलो खोआ है, चार चम्मच चीनी डाली हूँ मैं, और यहाँ पर प्लेन केक पाव किलो से थोड़ा कम है प्लेन केक। अब इसे भी हमें मिला लेना है बस। अब ठंडा कर लेना है, प्लेट में मैं निकाल कर बताती हूँ। देखिए तैयार हो गया है, अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा मिल्क में डाल रही हूँ मैं, अच्छा लगता है। ये भी डालकर खाने से बहुत अच्छा लगता है, क्रीमी क्रीमी लगता है और अच्छा लगता है। किशमिश, बादम, ऊपर से बादम। ये देखिए तैयार हो गया है पाइनएप्पल का मीठा। यहाँ पर देखिए पाइनएप्पल मीठा पक चुका है, मैं बनाकर बताई हूँ आपको। पाइनएप्पल जब भी लाते हो तो मीठा वाला देखकर लाना, चीनी बिल्कुल देखकर कम डालना इसमें। दाल थोड़ा थोड़ा डालकर बनाकर खाकर देखिए कि मीठा और चाहिए या नहीं। आप ज्यादा डाल देते हो तो खाने नहीं होता, क्योंकि पाइनएप्पल मीठा खट्टा भी रहता है, तो देखकर डालना चीनी। जो भी मैं बताई हूँ आपको, इतना इतना इसका मेजरमेंट बताकर मैं डाली हूँ, आप देखकर इसे बनाकर खाइए। बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह, बहुत बहुत मजे का बना है। प्लेन केक जब भी डालते हो आखिर में डालना, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। पाइनएप्पल का मीठा मैं बनाकर बताई हूँ, इसे जरूर से बनाकर खाइए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। जो भी मुझे कमेंट्स में बोल रहे हैं ये बनाकर बताइए, ये बनाकर बताइए, मैं आप लोगों जो भी बोल रहे हो मैं हर एक बनाकर मैं बताऊंगी। इसे भी बनाकर खाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।